हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मीठी से मेयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, 1/2 कटोरी मैंने चीनी ले ली है, 1 कटोरी मैंने सेवैयाँ ले ली हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1 कप पानी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम पैन में देसी घी डाल देंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 1 कटोरी सेवैयाँ डाल देंगे और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सेवैयाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। पैन में हम 1/2 कटोरी चीनी डाल देंगे, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे हम बॉयल आने तक, जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए तब तक हम पका लेंगे इसे। चीनी अच्छे से इसमें घुल गई है, अब हम इसमें रोस्ट की हुई सेवैयाँ ऐड कर देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक पानी इसमें से अच्छे से सूख ना जाए। अब इसमें हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी इसमें अच्छे से सूख चुका है, सेवैयाँ रेडी हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये हमारी मीठी सेवैयाँ बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।